हमारे देश में शोषित पीड़ित और दलित समाज के लोग हैं, बहुत ही उनके लिए रिपब्लिकन पार्टी सबके लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि आज माननीय रामदास अठावले जी को माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने केंद्रीय राज्य मंत्री जी का शपथ दिलाया है। तो मैं हमारी राखी सावंत जी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की महिला अध्यक्ष हैं और मैं रिपब्लिकन फिल्म एंड टीवी एसोसिएशन का सेक्रेटरी, हम लोगों ने मिलकर के ये विचार किया कि नरेंद्र मोदी साहब ने हमेशा से दलित समाज का ख्याल रखा है। जब से 2 साल की सरकार में उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो बाबा साहब अंबेडकर के लिए किसी ने नहीं किए। जैसे ही उनकी सरकार बनी तो सबसे पहले उन्होंने इंदू मिल की ज़मीन का जो विवाद था वो विवाद को ख़त्म करके इंदू मिल की ज़मीन दिया। उसके बाद उन्होंने लंदन में बाबा साहब अंबेडकर जिस बंगले में पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे, उसको उनका स्मारक बनाने का फैसला किया। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय स्मारक बनवाया और बाबा साहब अंबेडकर जी के लिए पहली बार पार्लियामेंट में दो दिन संविधान दिवस मनाया गया। ये जो 26 जनवरी गई है, ये 26 जनवरी पे पहली बार बाबा साहब अंबेडकर जी की झांकी निकाली गई। उनकी 125वीं जयंती के अवसर पर सरकार ने 125 रुपए के सिक्के जारी किए, तो उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को पूरा सत्कार सम्मान दिया है। और ये जो आज रामदास अठावले जी, माननीय अठावले साहब को जो केंद्रीय राज्य मंत्री जी का मंत्री का दर्जा दिया है, उनको शपथ दिलाई है, ये उन्होंने अपना वादा पूरा किया है। ये माननीय अठावले जी का सम्मान ही नहीं, देश के करोड़ों दलित शोषित पीड़ित लोगों का सम्मान किया है उन्होंने और पूरे देश का सम्मान किया है। और हम ये चाहते हैं कि मोदी जी आगे भी इसी तरीके से हर समाज का ख्याल रखेंगे, हर समाज के लिए कार्य करेंगे। और अभी जो हमारी राखी सावंत जी हैं, किस तरीके से मोदी जी का शुक्रिया अदा करेंगी वो आपके सामने पेश करेंगी। जी बिल्कुल, मैं राखी सावंत हूँ और मैं मोदी जी का, राजनाथ सिंह जी का बहुत 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 ही शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं काफ़ी टाइम से पॉलिटिक्स में हूँ, राजनीति में हूँ, बट पहली बार मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैं मोदी जी का तहे दिल से इतना शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ कि उन्होंने सही डिसीज़न लिया है कि अठावले साहब जो RPI के अध्यक्ष हैं उनको राज्य मंत्री घोषित किया है। और मुझे विश्वास है कि उनको बहुत ही अच्छी पोजीशन मिलेगी जिससे जितने भी हमारे दलित भाई बहन हैं उनका कल्याण होगा। मैं अठावले साहब जी के बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगी कि अठावले साहब जी वो इंसान है इस धरती पर जीता जागता भगवान है दलितों के लिए। उनके पास कोई भी गरीब आदमी रात को 2 बजे भी जाए, 3 बजे भी जाए तो खाली हाथ नहीं आता। मुंडी जी भी RPI से हैं और मैं RPI पार्टी से हूँ और मैंने इतना देखा कि अगर आधी रात को मेरा भी फ़ोन जाता है किसी भाई बहन के लिए तकलीफ़ में हैं गांव-गांव से लेकर, तो वो कभी भी वो हमेशा फ़ोन उठाते हैं और गरीबों की इतनी सेवा करते हैं। पहली बार मैं अपने दिल से कहती हूँ कि मैं और मंत्रियों के बारे में तो नहीं कुछ जानती, बट ये जो डिज़र्विंग है, जो राज्य मंत्री जो डिज़र्विंग है, जो पहली बार मैं मोदी जी का मतलब कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ कि उन्होंने अठावले साहब को सही मंत्री चुने हैं। और आज अठावले जी जब स्टेज पर मोदी जी के सामने सब शपथ ग्रहण कर रहे थे तो मेरी आंखों में इतने हम लोग आंसू आ गए कि बहुत मेहनत करी है, चुनाव के बाद भी वो हिम्मत नहीं हारे। एक टाइम पे मैं हिम्मत हार गई, मैंने प्रचारों में मैंने कहा मोदी जी आप अठावले जी के बारे में क्यों नहीं सोच रहे, जो हमारे दलित भाई बहन हैं उन्होंने आपको भर भर के वोट दिए चुनाव के टाइम पे, आप क्यों नहीं उनको मंत्री पद दे रहे। हालांकि एक टाइम पे मेरे कदम डगमगा गए लेकिन हमारे अठावले जी के कदम कभी नहीं डगमगाए, उनको पूरा विश्वास था मोदी जी पर। और आज मैं इतनी खुश हूँ कि आज हम सब जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब मिलकर
इतनी मिठाइयाँ लेकर आए हैं, इतने ढोल नगाड़े लेकर आए हैं कि अठावले साहब को, रामदास अठावले साहब को मंत्री पद मिला है। और मुझे पूरी उम्मीद है हिंदुस्तान के कोने कोने में आरपीआई पार्टी और मजबूत होगी, यूपी बिहार साउथ से लेकर पूरे हिंदुस्तान में और मजबूत होगी और लोग जुड़ेंगे आरपीआई पार्टी में। और सबसे खुशी की बात है, मुझे दिवाली होली पता नहीं, बट आज हमारे लिए दिवाली है, होली है, तो मैं इस सारा श्रेय मोदी जी को, राजनाथ सिंह जी को देना चाहूँगी। और मैं उम्मीद करूँगी कि आज ही उन्हें मंत्री पद मिलने वाला है, एक अच्छी पोजीशन, तो मुझे विश्वास है कि वो उन्हें वो बहुत अच्छा मंत्री पद डिपार्टमेंट उन्हें मिलेगा, जिससे गोर गरीब, गांव-गांव में सूखा पड़ रहा है, गरीब किसान, जितने भी दलित समाज के लोग हैं, दलित भाई बहन हैं, उन्हें खुशी मिलेगी, उनके लिए अच्छे स्कूल बनाए जाएंगे, उनके लिए पक्के घर बनाए जाएंगे, उनके भी घर में बिजली आएगी, लाइट आएगी, उनके अच्छे दिन आएंगे। तो ये अच्छे दिन उनके घर में इसलिए आए क्योंकि मोदी जी ने वादा किया था सबसे कि अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी जी की वजह से दलित समाज, गरीब लोगों के घर में अच्छे दिन आए हैं। तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा अंदर से खुश हूँ। आज ईद से पहले ईद हो गई मतलब ईद से पहले ईद हो गई, चांद दिख गया। मोदी जी ने, अगर किसी ने गरीब को चांद दिखाया तो मोदी जी ने दिखाया है। तो ये मोदी जी के लिए तालियां। कहीं ना कहीं लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने देर किया मंत्री पद, ये दो साल पहले ही देना चाहिए था, देरी हुई, उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, मोदी जी जो हैं उनको बहुत काम है, शहर शहर जा रहे, कंट्री जा रहे, एक समय होता है सारे मंत्रियों पद को अनाउंस करने का। दो साल हो गया, लेट हो गए, लेकिन हमें कोई शिकायत नहीं, देर आए दुरुस्त है। सही कहा मासूम जी, देर आए दुरुस्त है। मैंने क्या कहा था कि मैं हिम्मत हार गई थी, मैंने ऐसा कहा था, मैंने खुद सर को कहा, सर आप अठावले साहब जी को कहा था आप कुछ कहते क्यों नहीं। अठावले साहब जी ने मुझे कहा, राखी मैं थोड़ा, मेरा नेचर तेज़ है, मेरे भाषण भी थोड़े तेज़ होते हैं, थोड़े बहुत ही किस क्या कहते हैं तीखे होते हैं, तो दिल्ली से लेके हर जगह मैं गई तो मैंने काफ़ी भाषण दिए लोगों को सिर्फ, लेकिन अठावले साहब एकदम शांत रहते हैं और उन्होंने, उनको विश्वास था मोदी जी पर, राजनाथ जी पर, कि नहीं ये हमने इन्हें वोट दिए हैं भर भर के, यहाँ तक इतनी इनकी सीटें आई हैं तो ये अनदेखी नहीं करेंगे और डेफिनेटली मुझे मंत्री का पद ज़रूर देंगे। मुझे विश्वास नहीं था लेकिन आज मुझे मोदी जी पे पूरा विश्वास हो गया। मुझे अब ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ, हमें कुछ मिले ना मिले, हमारे जो आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठावले जी को मतलब राज्य मंत्री की शपथ आज उन्होंने ली और डेफिनेटली एक अच्छा पद भी दिया जाएगा, तो वी आर वेरी हैप्पी। ये कोई विशेष तैयारी थी सर पे आपके, भगवा है और ब्लू है ये? जी बिल्कुल, ये जो मेरे सर पे आरपीआई का भी कलर है और बीजेपी का भी कलर है, तो हम लोग गठबंधन में हैं आरपीआई बीजेपी। मुझे अठावले साहब हमेशा कहते हैं कि राखी तू माझा साठी भरपूर आमचा साठी लकी आएस। मैंने बोला क्यों सर? बोलते तू पार्टी में आई तो मुझे कहना नहीं चाहिए, शिवसेना बाहर हुई और आरपीआई और बीजेपी गठबंधन हुआ, और आज मुझे सर कहते हैं कि राखी तू लकी है, आज हमारे सर मंत्री बन गए, तो मैं डेफिनेटली आरपीआई पार्टी के लिए लकी हूँ। राखी, आरपीआई में तो खुशी का दौर है लेकिन वही गठबंधन की सरकार है, साथ में शिवसेना, वो नाराज है, उनको मंत्री पद में जगह नहीं मिला, क्या कहना चाहिए? देखिए, शिवसेना भी हमारे भाई है, उनको भी देंगे पद उनके मंत्रियों को, और राज ठाकरे जी भी हमारे साथी है, सब हम लोग सब मराठी लोग, हम लोग भाई भाई ही है। अठावले साहब जो है शिवसेना प्रमुख, जो हमारे उद्धव ठाकरे जी जो हैं उनकी भी इज्जत करते हैं, राज ठाकरे जी की भी इज्जत करते, कहते हैं कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए, तो हम किसी से बैर नहीं करते, अगर हम किसी से बैर करते हैं तो जो गलत लोग होते हैं हम उनसे बैर करते हैं और जो गलत काम करते हैं हम उनको नष्ट करते हैं, हम किसी से बैर नहीं करते। और उद्धव जी का और मोदी जी का बहुत अच्छा कनेक्शन है, राज ठाकरे जी मोदी जी का भी बहुत अच्छा कनेक्शन है,
तो हम आज खुशी का दिन है, हमारे लिए ईद का दिन है, तो हम किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहेंगे। कहीं ना कहीं ये लगता है कि आठवले जी को मंत्री पद, उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है इसके लिए मंत्री पद दिया गया है, कहीं ना कहीं आप ये मानती हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं कि यूपी में चुनाव आ रहा है इसलिए पद दिया, बिल्कुल भी नहीं। वो डिजर्विंग है, वो डिजर्व करते हैं आठवले जी। हाँ, मोदी जी ने वादा किया था, डेफिनेट तो वो मोदी जी ने अपना वादा निभाया है और आठवले जी ने बहुत मेहनत करी है। हालांकि गांव-गांव में पैदल तक गए हैं प्रचार करने के लिए, वोटिंग के लिए, बीजेपी का सपोर्ट किया है, तो वो डिजर्विंग है। और सबसे ज़्यादा वो गरीबों की सबसे ज़्यादा मेहनत मदद करते हैं और गरीबों के देवता हैं आठवले साहब। आप आज तो मैं ये भी कहूँगी कि गरीबों के देवता और हिंदुस्तान के देवता मोदी जी हैं। तो कहीं ना कहीं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक रथ यात्रा निकाला था, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, तो उसका कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली जाति तोड़ो समाज जोड़ो जो रथ यात्रा निकाला था, तो आज मोदी जी ने प्रूफ कर दिया कि वो जात बात में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। जैसे चांद सूरज जात पात में विश्वास नहीं करते, ईश्वर विश्वास मतलब भेद नहीं करता, तो वैसे ही मोदी जी ने भी ये करके दिखाया है। कहीं कहीं मोदी जी के वो आरोप लगे रहते, बिना बोल के पाकिस्तान चले जाते हैं, तो जात विवाद की बात करते नहीं, ये आरोप लगते सारे आरोप गलत है। प्रधानमंत्री को तो हर शहर में, हर सिटी में, हर कंट्रीज में जाना ही पड़ेगा देश की भलाई के लिए, तो पाकिस्तान में जाते तो लोगों को मुझे नहीं लगता कि इतना बवाल करना चाहिए। मोदी जी ने कभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया। देखिए, सबको जोड़ के रखना प्राइम मिनिस्टर का काम है, तो वो अच्छा नेक काम कर रहे हैं। नहीं गए तो आप बोलोगे, गए तो आप बोलते हो, ये तो गलत बात है। प्राइम मिनिस्टर का तो काम ही है कि हर जगह जाए, इंडिया के लिए फंड लाए, इंडिया के हमारे हिंदुस्तान के लिए बेटर से बेटर सोचे, बिजनेस लाए। मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, हर कहाँ अमेरिका, लंदन, चाइना, भूटान से लेके हर जगह इंडिया का नाम रोशन हो रहा है। पहले हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था, अब हो रहा है, तो ये अच्छी बात है ना। अपोजिट पार्टी वाले, कांग्रेस वाले मानते हैं कि खाली वो घूम ही रहे, दूसरा कुछ काम ही नहीं करे, महंगाई के ऊपर कुछ काबू ही नहीं है, तो उसके ऊपर आपकी क्या? हम किसी के बारे में बुरा नहीं बोलेंगे। आज हमारे लिए ईद है, अच्छा दिन है, और आज हमारे लिए अच्छा दिन है और सबका भला हो रहा है और सबके अच्छे दिन आ गए। आज हमने माननीय आठवले जी का जो शपथ ग्रहण हुआ है उसके सेलिब्रेशन के लिए हमने आज ये प्रोग्राम रखा है। और मैं राखी सावंत न कांग्रेस के खिलाफ हूँ, न बीजेपी के खिलाफ हूँ, न आरपीआई के खिलाफ हूँ, मैं सिर्फ आई एम जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, दैट्स इट। हम सबको जोड़ के रखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। ये कहाँ से आ गया बीच में गोल्डन नेल्स? किसी के सवाल प्लीज ले लो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फैन कर दो ना दो मिनट। आपको कुछ कहना? हाँ, दो दो शब्द आठवले जी को, आरपीआई के अध्यक्ष जो भी आपका पद। आठवले जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम पेड़े और ढोल लेके रेडी है, बस आपको पद मिले, हम नाते नाते आप सबको पेड़े खिलाएंगे। मोदी जी को शुक्रिया। हाँ, टुडे इज अ गोल्डन डे, डेफिनेटली आज हमारे लिए गोल्डन डे है, इसीलिए मैंने नाखून गोल्ड भी कराए, बहुत गोल्ड कराया। खुश है, शुक्रिया। और जितने भी हिंदुस्तान में हमारे दलित भाई बहन हैं, उन सबको दिवाली, होली, ईद खूब जम के मनानी चाहिए, क्योंकि आठवले साहब मिनिस्टर बन गए हैं, तो खुशी मनानी चाहिए और मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ, वो भी